मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे इस चैप्टर की हेडिंग है पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि लोग एक संसाधन के रूप में, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैसे एक रिसोर्सेज होते हैं इसके बारे में हम लोग बताएंगे। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए इसको समझने के लिए आप पहले इससे पहले वाले चैप्टर पर जाइए। इससे पहले वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था द विलेज ऑफ पालमपुर, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको, लैंड्स बताया था, उसके बाद में मैंने आपको लेबर बताया था, उसके बाद मैंने आपको कैपिटल बताया था, इसके बाद मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल बताया था। तो क्या था चौथा फैक्टर, क्या था हमारा? ह्यूमन कैपिटल, है ना। और मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि इस वीडियो इस ह्यूमन कैपिटल के बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेम एन अवे फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर है इसका प्रोडक्शन का। क्लियर है? अब ह्यूमन कैपिटल देखिएगा, पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर अ इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी, यहाँ दो वर्ड हैं बेटा, एक है एसेट और एक है लाइबिलिटी। ये दोनों वर्ड आपको समझने हैं कि जो पॉपुलेशन है किसी देश की, जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट भी हो सकती है और एक लाइबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ दो टर्म है, एसेट और लाइबिलिटी। पहले इन दो टर्म्स को समझिए, एसेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। आप जब हायर क्लासेस में 11th 12th में जब आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो वहाँ आप ये शब्द बहुत सुनने के लिए आपको मिलेंगे, एसेट और लाइबिलिटी। क्लियर है? तो पहले आप इन टर्म्स को समझिए। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट वो उस चीज़ को बोलते हैं जो कुछ प्रोडक्टिव हो, जो कुछ प्रोडक्टिव हो या जो कुछ प्रोड्यूस करे उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। और जो चीज कुछ प्रोड्यूस ना करे उसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा आपको कि आप एक मशीन लेके आए और आप जो मशीन लेके आए उस मशीन से आप डेली क्या कर रहे हैं, 5 पेन बना रहे हैं, 5 ऐसे पेन आप तैयार कर रहे हैं, तो वो मशीन क्या हो गई, एसेट के रूप में है भाई। वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है कुछ ना कुछ कमा के दे रही है भाई। मैं जब इन 5 पेनों को बनाऊंगा और इनको जब मार्केट के अंदर सेल करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिलेगा। तो यानी कि वो क्या प्रोडक्टिव है। क्लियर है? वहीं एक और मैं मशीन लेके आया, अब वो मशीन क्या कर रही है, वो मशीन कुछ बनाती तो नहीं है बल्कि क्या है, हर हफ्ते मेरे 10-20 रुपये उस मशीन में लग जाते हैं, तो वो मशीन मेरे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। सेम एज अ वे बेटा, आपके जो फादर मदर हैं वो क्या है, वो पैसा कमाते हैं, प्रोडक्टिव हैं, दे आर एसेट। आप लोग क्या हैं, आप कुछ कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, आप क्या हैं, लाइबिलिटी हैं। लेकिन आप लाइबिलिटी नहीं हैं, आप प्रोग्रेस में हैं, एसेट के में हैं, आप एसेट बनने वाले हैं। क्लियर है? समझाऊंगा कैसे बनने वाले हैं। क्लियर है? तो कोई किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है वो एसेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन किसी भी अगर एक कंट्री क्या करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, एसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एसेट होनी चाहिए रेदर देन द लाइबिलिटी। यानी कि पॉपुलेशन एज एन एसेट, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, एसेट होनी चाहिए रेदर देन अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एसेट होनी चाहिए तो एसेट कैसे बनती है, एसेट कैसे बनती है क्विक पॉपुलेशन। तो देखते हैं, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल या एसेट। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। यानी कि एक पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एक ह्यूमन कैपिटल तब बनती है, वो एक पॉपुलेशन एसेट तब बनती है उस देश के लिए जब उस देश की पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। किस फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में, मेडिकल केयर की फॉर्म में। यानी कि वो जब वहाँ की पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी मेडिकल केयर दी जाती है। आप देखिए, आपको एसेट के रूप में चेंज करने वाले, चेंज मैंने अभी आपसे कहा कि आप एक एसेट में चेंज होने वाले हैं। कैसे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, आपके माँ बाप कर रहे हैं। कैसे, कि वो आपको एजुकेशन दिला रहे हैं, आप जब बीमार हो जाते हो तो आपको मेडिकल केयर दिलाते हैं,
आपको वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैसे, जैसे आपको बाइक चलाना सिखा रहे हैं, आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं कार चलाना सिखा रहे हैं। दीज आर द ट्रेनिंग, सम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर है। जैसे कि आगे भविष्य में जब आप बड़े हो जाओ तो आप उनका यूज़ कर सको। समझ में आ रहा है? आप ध्यान दीजिए बेटा, मेरी बात समझिएगा। किसी देश की पॉपुलेशन है, जैसे अपने देश की देख लेते हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन है 121 करोड़। अगर 121 करोड़ पॉपुलेशन अनएजुकेटेड हो, मेडिकल केयर में सारे कैसे हों, अपंग हों, सारे किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं आती हो, तो वो सारी पॉपुलेशन किसके रूप में है? लेबिलिटी के रूप में है, देश के ऊपर बोझ बन के रहेगी। देश के ऊपर क्या रहेगी? बोझ रहेगी, क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रही है। वही मैं क्या करूं, अगर उस देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ पॉपुलेशन को, सारी पॉपुलेशन मेरी कैसी हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, सारी पॉपुलेशन बहुत ट्रेनिंग हो, सारी पॉपुलेशन के पास में स्किल्स हो अच्छी अच्छी काम करने की, अच्छी मेडिकल केयर हो, हेल्थ कंडीशन सबकी अच्छी हो, तो वही पॉपुलेशन मेरी कैसी बन जाएगी? एसेट बन जाएगी मेरे देश के लिए। वो देश के लिए कैसी होगी? प्रोडक्टिव होगी, देश के लिए नई नई चीज़ें बनाएगी, देश के लिए नया नया काम करेगी। क्लियर है? तो एसेट और लाइबिलिटी, समझ में आया बेटा? तो एक पॉपुलेशन एसेट कब बनती है, या पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसके रूप में? उनको एजुकेशन के रूप में, उनकी ट्रेनिंग के रूप में, या उनके मेडिकल केयर के रूप में। क्लियर है? ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है। ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे है, देखिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कब नेचुरल रिसोर्सेज बनते हैं? देखिए, आयरन ओर है। अब आयरन ओर जो हम लोग जब निकालते हैं, आयरन जब हम निकालते हैं, तो आयरन किसकी फॉर्म में निकलता है? ओर की फॉर्म में निकलता है। अब उसको क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, उसको फिल्टरिंग करना पड़ता है, देन आफ्टर तो उससे आयरन बनता है। समझ में आ रहा बेटा? तो ऐसे ही सेम जो पीपल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, एजुकेशन देनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको क्या करनी पड़ती है, मेडिकल देनी पड़ती है, तब वो हमारे देश के काम आता है। तो वो ह्यूमन क्या हो गया, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। क्लियर हुआ? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न लाइक जस्ट इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। यानी कि जैसे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सेम वैसे ही है जैसे आप किसी फिजिकल कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आप एक गाड़ी खरीद के लाए। क्लियर है? आप एक गाड़ी खरीद के लाए, और उस गाड़ी तो आपने क्या किया, फिजिकल कैपिटल का यूज़ किया। आप एक गाड़ी खरीद के लाए, और फिर आप उस गाड़ी से क्या कर रहे हैं, लोगों को इधर उधर ले जा रहे हैं, तो उससे क्या कमा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। क्लियर है? तो आपको उससे क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। सेम एज अ वे, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन्स के ऊपर, आप ह्यूमन्स को क्या कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं, उनको हेल्थ कंडीशन अच्छी दे रहे हैं, तो क्या होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो ह्यूमन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एक एसेट के रूप में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, हायर इनकम कमाएगा, पैसा कमाएगा। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट तो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड लाइक अ, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। जैसे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम एज हम ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, अब डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या होगा, और एक ह्यूमन क्या बन जाता है, एक रिसोर्सेज के रूप में बन जाता है, उसको ह्यूमन कैपिटल, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर देते हैं, और वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में जब वो काम करता है, तो हमें क्या फ़ायदा होगा उससे। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, हायर इनकम, सबसे पहले तो उसकी इनकम जो होगी वो कैसी होगी, हायर होगी। भाई, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उस पढ़े लिखे व्यक्ति की इनकम कैसी होगी, अच्छी होगी, हायर इनकम होगी बिना पढ़े लिखे से। क्लियर है? दूसरा, एडवांटेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को भी उसका लाभ मिलेगा। सोसाइटी को उसका लाभ कैसे मिलेगा, जब सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर लोग क्या हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो सोसाइटी के अंदर सोच समझ आएगी, सही चीज़ों को सोसाइटी कर पाएगी, तो इससे क्या होगा, एडवांटेज ऑफ द सोसाइटी। आगे देखते हैं, सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज एंड हाउ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज से सुपीरियर है। ह्यूमन रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज से सुपीरियर है, इसका मतलब समझिए कैसे, हाउ। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड है, अब आपको पता है कि इस ज़मीन के अंदर गोल्ड मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा तो नहीं है गोल्ड हमें गोल्ड की फॉर्म में मिलेगा। भाई, गोल्ड अगर हमें मिलेगा तो ओर की फॉर्म में मिलेगा ना। तो अब क्या है, जब हमें पता है इस ज़मीन के अंदर ओर है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कभी उस गोल्ड को निकाल ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारा जो गोल्ड है वो ओर की फॉर्म में है, अगर मुझे क्या नहीं पता है कि इसको किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से इसको फिल्टर करना है, किस तरीके से इसको साफ़ करना है, मुझे पता ही नहीं है, तो
क्या मैं उस गोल्ड का यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बेटा, कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो दूसरे रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि दूसरे रिसोर्सेज कब तक काम के नहीं है हमारे, जब तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। क्लियर बेटा? तो लैंड, फिजिकल कैपिटल, इन दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में? ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्लियर है? पॉपुलेशन एसेट लेबिलिटी, यानी कि पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन एसेट हो सकती है, कौन सी पॉपुलेशन लेबिलिटी होती है। यहाँ मैंने समझाया आपको कि कौन सी पॉपुलेशन एसेट होगी, जिस पॉपुलेशन के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, जिस पॉपुलेशन के ऊपर मैं क्या दूंगा, एजुकेशन दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, मेडिकल कैरियर दूंगा, वो पॉपुलेशन मेरी कैसे, किसके रूप में काम करेगी, एसेट के रूप में काम करेगी। वही मैं जिस पॉपुलेशन को मैं ये सारी चीज़ें नहीं दूंगा, वो लेबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं, आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन के बारे में दे रखा है। तो मैं यहाँ समझाता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन। देखिए बेटा, आप लोग को मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ाया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने फील्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने सीड्स लेके आया था, मैं ट्रैक्टर्स लेके आया था, थ्रेसर लेके आया था, फर्टिलाइज़र लेके आया था, और इन सारी चीज़ों की हेल्प से क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों की हेल्प से ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। यानी कि मुझे काफ़ी अधिक मात्रा में उसका, जब मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे काफ़ी अधिक मात्रा में उसके बीच बदले में इनकम मिली थी। सेम एज अ वे जो आईटी रेवोल्यूशन होता है, आईटी के अंदर भी जब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्या करता हूँ, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तब भी मुझे क्या मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हुआ? आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। अब देखते हैं बेटा, हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ सकल्स एंड विलास, दो लोग हैं यहाँ पे, सकल और विलास, उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बाय द मैन एंड वुमेन, वुमेन्स के द्वारा कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, मैंस के द्वारा कौन कौन सी की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी पॉपुलेशन कैसी, कि हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर। देन आफ्टर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में किस तरीके से क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्लूडिंग स्टोरी। तो ये हमारा क्या था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का पढ़ लिया। थैंक यू।